हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं उषा वीरिस एस्पेक्ट ऑफ लाइफ में आज आपके साथ शेयर करना चाहूँगी कुछ मीठा। कोरोना टाइम में कुछ अवेलेबल नहीं है और कई दिन हो गए मीठा नहीं बनाया, तो मैंने सोचा क्या बनाऊँ। बेसन घर में दिखाई दिया मुझे, शुगर भी दिखाई दी, घी भी दिखाई दिया और सबसे बड़ी बात मुझे मिल्क पाउडर भी मिल गया। तो मैंने सोचा इसका एक यूनिक सी बर्फ़ी बनाते हैं। मैं चक्की नहीं बनाऊंगी इसकी, ना इसकी बर्फ़ी बनाऊंगी, मगर एक यूनिक सी जिसमें आपको जब आप खाएंगे तो कुछ अलग तरह का टेस्ट, क्रीमी टेस्ट जो है वो मिलेगा। तो यहाँ मैंने देखे जिस बाउल को लिया है, बेसन लिया है उसका 3/4 मैंने यहाँ पर मिल्क पाउडर ले लिया, और मिल्क पाउडर जो कि मीठा होता है इसलिए मैंने बेसन के बराबर ही शुगर भी ले ली है। घी हम बेसन का आधा लेंगे, और सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने आज मक्खन निकाला था और मक्खन का जो नीचे वाला मावा वाला पार्ट थोड़ा सा बचा हुआ है मेरे पास, ज़्यादा उसमें नहीं निकला, इसको भी मैं इसमें यूज़ करूँगी। और यही देख करके मेरे दिमाग में आया कि कहाँ यूज़ करूँ, तो फिर ध्यान आया मीठा बनाना है, मीठा बनाना है, तो फिर ये सारी चीज़ें इसी से जुड़ती चली गई। और कुछ ड्राई फ्रूट्स फ्रेंड, और खुशबू के लिए आप इसमें कोई भी केवड़ा जल, गुलाब जल जो भी डालना चाहें, इलायची पाउडर और घी आवश्यकता अनुसार हम लेंगे। और ये वही कढ़ाई मैंने ली है जिसमें मैंने जो है वो मक्खन निकाला था, ये मक्खन वाली है, मक्खन से मैंने घी बनाया, और घी वाली कोई ले लूँगी क्योंकि फेंकने से कोई फ़ायदा नहीं। और इसी में मैं अपना बेसन जो है वो सबसे पहले छान लेती हूँ। ये फ्रेंड्स बेसन छान लिया, और नीचे ये घी जो इसमें लगा हुआ था वही है, और इसमें अब हम उसका हाफ, बेसन का हाफ जो है घी डाल देंगे। और इसको अब हमें गोल्डन कलर होने तक नहीं भूनना है, हल्का सा इसका कच्चापन निकालेंगे ऐसा भूनेंगे। फ्रेंड्स अपनी गैस को मीडियम पर रखिएगा और इसको बराबर चलाती चली जाइएगा। अब किसी ट्रे या किसी बर्तन में जिसमें भी आप इसको जमाना चाहें आप ले करके इसको ग्रीस कर लीजिएगा फ्रेंड्स। फ्रेंड्स शुगर सिरप बनाने में मैंने जो 1 बाउल लिया है इक्वल हमारे बेसन के शुगर ली है, आप ज़्यादा चाहें ज़्यादा ले सकती हैं, उसका हाफ हमने पानी ले लिया। और अब इसका हाफ तार की चाशनी तैयार करेंगे। इधर बेसन भुनने की खुशबू आ गई है, मैंने ज़्यादा उस तरह से नहीं भुना इसको जैसे हम चक्की के लिए बेसन भूनते हैं, और इसका कच्चापन निकल चुका है। और यहाँ हम अब सिरप बनने रख देंगे हम अपनी, और सिरप को स्टीयर करते रहेंगे फ्रेंड ताकि नीचे ना लगे। इस गरम के अंदर ही अपने हाफ काजू, सॉरी बादाम डाल लेते हैं, पूरे भी डाल सकती हैं ताकि ये इसके अंदर हल्के कुरकुरे से हो जाएं। अगर आपकी शुगर जो है मोटी है और हाफ पानी के अंदर उसमें नहीं हो पा रहा है, घुल पा रही है, तो आप थोड़ी मात्रा बढ़ा सकती हैं। हमें ये हाफ तार की चाशनी ही तैयार करनी है फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स इसके अंदर हमने जो मिल्क पाउडर लिया था वो धीरे धीरे करके मिक्स करेंगे। इसको फ्रेंड्स अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये फ्रेंड्स मेरे पास मलाई से जो मैंने बटर बनाया, बटर से घी बनाया वो बचा हुआ है नीचे का, तो मैं उसको भी इसमें ही मिक्स कर दूंगी अच्छी तरह से। इसमें खुशबू के लिए 2 से 3 ड्रॉप्स जो है हम केवड़ा जल की मिला रही हूँ। फ्रेंड्स अभी सिरप हमारा तैयार नहीं हुआ है, फिर भी एक बार देख लेते हैं। चिपचिपा तो हुआ है मगर तैयार नहीं है। तो फ्रेंड्स अब हम इसमें या तो हमारे इस सारे मिश्रण को, जो भी हमारे पास मिक्सचर है उसको इस सिरप वाले उसमें डाल लें,
मिक्स कर लें अच्छी तरह से, या सिरप को हमारे इस मिक्सचर में कर लें, यानी मतलब है मिलाने से। फ्रेंड्स देखिए हल्का तार जो है इसमें आना शुरू हो गया है, आप अगर देखना चाहेंगे तो ये देखिए पतला तार है। देखिए हाफ तार ये है। अब हम सिरप को इस कंटेनर में मैं मिक्स कर दूंगी धीरे धीरे इसको डाल के, और मिक्स करते चले जाएंगे। एकदम से डालने से हो सकता है हमारी गांठें पड़े इसमें और ये मिक्स ना हो, तो इस तरह से मिक्स करेंगे। और अब ये सारा सिरप इसमें डाल देते हैं, इसको मिक्स कर लेते हैं। देखिए इसमें हमारे लम्स नहीं पड़ने चाहिए फ्रेंड्स, देख पा रहे होंगे आप इसमें लम्स नहीं है। बीच में जो है वो बादाम है हमारे, जो आलमंड्स हमने डाले थे, और अब इसको हम थोड़ा गाढ़ा कर लेते हैं। फ्रेंड्स देखिए थिक हो चुकी है पहले से। अब हम इसको अपने ग्रीस किए हुए बर्तन के अंदर ट्रे में डाल लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स अब इसको रखा रहने देंगे, 10 से 15 मिनट में ये ठंडा होने पर अपने आप जम जाएगी। इसको दबा देते हैं। देखिए फ्रेंड्स हो चुका है, अब इसको कट कर लेते हैं। एक्चुअली एक हाथ से काटने में थोड़ा सा मुझे, क्योंकि एक हाथ से कैमरा होता है। अब इसको हम स्क्वायर निकाल सकते हैं फ्रेंड्स। ये देखिए फ्रेंड्स हमारा सॉफ्ट एंड क्रीमी, आप जैसे इसको खाएंगे खा करके आपको बहुत क्रीमी होगा, और जैसे जैसे ठंडी होगी और हार्ड सी होती जाएगी, मगर अंदर से सॉफ्ट रहेगी। इस तरह से हम सारे पीसेस निकाल लेंगे। आपको अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए, खाइए खिलाइए, और अपने आप को कोरोना में बचा करके रखिएगा। धन्यवाद।